अगर आप कोई भी सीजन में मलेशिया जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, भरना पड़ता है। अगर आप वो कार्ड नहीं भरते हैं तो आपकी मलेशिया में एंट्री नहीं होती है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द जॉर्डन डिजिटल मिनी व्लॉगर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। अभिनंदन है दोस्तों, आज का जो वीडियो है आज का वीडियो में मेरे रूम में से बना रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत जम से बारिश हुई है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी मलेशिया जर्नी के बारे में कि आपको कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है और वो ध्यान में रखनी है मलेशिया के एयरपोर्ट पर पहुँचने के बारे में। तो दोस्तों दुबई से वापस आने के बाद में मेरा मन हुआ मलेशिया जाने का। मलेशिया की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो भी दुबई की जैसी है। एक मलेशिया का जो टावर है ट्विन टावर, वो मुझे देखने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने मलेशिया जाने का सोचा। जब मैंने मलेशिया जाने का सोचा तो मैंने देखा कि इंडिया से मलेशिया जाने की जो टिकट है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो अब क्या करना, तो मैं 2-3 दिन रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि मलेशिया जाने की जो टिकट है वो थाईलैंड से सस्ती है। तो इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं पहले थाईलैंड जाऊँगा। तो मैं थाईलैंड गया। आपने अगर मेरे थाईलैंड की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके मेरे थाईलैंड की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मैं थाईलैंड घूमा। मैं थाईलैंड घूमने के बाद में मैं थाईलैंड के एक करबी नाम के एयरपोर्ट पे गया। एयरपोर्ट से मेरी मलेशिया की फ़्लाइट थी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मैंने फ़्लाइट कब बुक की थी, तो मैंने मलेशिया की फ़्लाइट बुक की थी 8 दिन पहले, जो मुझे पड़ी थी 125 मलेशियन रिंगिट की। अगर मैं बात करूँ 125 मलेशियन रिंगिट इंडियन करेंसी में कितना होते हैं, तो मुझे फ़्लाइट गिरी बहुत सस्ती। मुझे फ़्लाइट गिरी सिर्फ 2500 रुपये में थाईलैंड से मलेशिया जाने की। इंडिया के 20 रुपये यानी मलेशिया का 1 रिंगित होता है। और मैं आपको बता दूं कि मलेशिया जाने के पहले आपको एक मलेशिया का डिजिटल अराइविंग कार्ड भरना पड़ता है। अगर आप वो कार्ड नहीं भरते तो आपको मलेशिया में एंट्री नहीं मिलने वाली। तो कैसे भरा जाता है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों मैं थाईलैंड से मलेशिया पहुंच गया। मलेशिया एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद में मुझे वहाँ पे मांगे गया मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, जो MDAC नाम का आता है। दोस्तों आपको अगर ये कार्ड के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मलेशिया जाते हैं तो आपको मलेशिया जाने के 3 दिन पहले ही मलेशिया डिजिटल अराइविंग कार्ड को भरना पड़ता है। अगर आप वो कार्ड नहीं भरते हैं तो आपकी मलेशिया में एंट्री नहीं होती है। दोस्तों वो कार्ड में आपसे क्या पूछा जाता है, तो वो कार्ड में आपसे होटल की बुकिंग पूछी जाती है, फ्लाइट का जो नंबर होता है फ्लाइट का नंबर पूछा जाता है, आपका जो होटल का जो एड्रेस होता है आपका होटल का एड्रेस आपसे पूछा जाता है। तो आपको सब डिटेल वो मलेशिया अराइविंग डिजिटल कार्ड में भरना पड़ता है। अगर आपने वो लिंक नहीं भरी, आपने वो फॉर्म नहीं भरा, तो आपको एक चांस दिया जाता है, आप वो फॉर्म मलेशिया के एयरपोर्ट पे जाके भी वो फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दूं कि जो फॉर्म है वो फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपको फॉर्म भरने के कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे। अब मैं बात कर लूँ इंडियंस लोगों के लिए मलेशिया का वीज़ा। इंडियन लोगों के लिए मलेशिया का वीज़ा 24 दिसंबर 2024 तक के पूरा फ्री है, यानी कि आपको मलेशिया जाने के कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे। इसलिए मैंने मलेशिया जाने का प्लान बना लिया था। तो दोस्तों मैं पहुंच गया मलेशिया के एयरपोर्ट के अंदर। दोस्तों मलेशिया के एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने के बाद में मुझे एडीसी कार्ड के बारे में उन लोगों ने पूछा, जो मैंने 3 दिन पहले ही भर लिया था। दोस्तों अब बात करते हैं होटल बुकिंग की। तो मैंने होटल की जो बुकिंग की थी वो 3 दिन पहले ही की थी। मेरा जो होटल था वो होटल मुझे 50 मलेशियन रिंगिट के गिरा था। अगर 50 मलेशियन रिंगिट की मैं बात करूँ तो 50 मलेशियन रिंगिट होते हैं मलेशिया के 50 रिंगिट और इंडियन करेंसी में 1000। तो 1000 पर नाइट के हिसाब से मैंने मलेशिया में होटल बुक किया। अब बात आती है मलेशिया की इमिग्रेशन की। तो मलेशियन इमिग्रेशन में आपको होटल बुकिंग पूछते हैं, आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट पूछते हैं, और आप मलेशिया में कहाँ पे स्टे कर रहे हो वो पूछते हैं। तो मैं मलेशिया में कुआलालंपुर सिटी, यानी कि सिटी सेंटर में, यानी कि जो सिटी का मेन अट्रैक्शन है वहाँ पर स्टे कर रहा था। तो मुझे मलेशिया के होटल की बुकिंग पूछी गई, टिकट पूछी गई, और जो मलेशिया का जो डिजिटल अराइविंग कार्ड होता है वो उसके बारे में मुझे पूछा गया। तो मैंने मलेशिया का डिजिटल अराइविंग कार्ड डायरेक्ट ऑफिसर को बता दिया। उसके बाद में मेरा जो इमिग्रेशन था, मेरा इमिग्रेशन एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद में मुझे बाहर जाने की एंट्री मिली। तो मैं मलेशिया के जब बाहर गया, एयरपोर्ट के बाहर गया, तो मुझे पता चला कि जो मलेशिया का एयरपोर्ट है वो सिटी सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो अब सिटी में कैसे जाना, तो सिटी में जाने के लिए आपके पास में मलेशिया की कैश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने एयरपोर्ट से कैश विड्रॉ कर ली थी मलेशिया की, लेकिन वहाँ भी आपको टैक्सी नहीं मिलने वाली। तो मलेशिया में आपको टैक्सी नहीं मिलेंगी, तो आपको ऑनलाइन टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। मलेशिया में जो टैक्सी का ऐप होता है वो मलेशिया में टैक्सी का ऐप, थाईलैंड के टैक्सी का ऐप चलता है, जिसका नाम है ग्रैब। ग्रैब टैक्सी ऐप से आप इजीली टैक्सी बुक कर सकते हो। तो मैंने ग्रैब टैक्सी ऐप से मलेशिया में मेरे होटल तक की टैक्सी बुक करी, जो टैक्सी मुझे गिरी 20 रिंगिट की। 20 रिंगिट की टैक्सी बुक करने के बाद में टैक्सी ने मुझे मलेशिया के होटल में पहुंचा दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी सीजन में मलेशिया जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। तो आपको थाईलैंड से ही, जो थाईलैंड में आपको एक रेनकोट मिलता है 7-Eleven में सस्ता, वो रेनकोट आपको कैरी कर लेना है मलेशिया जाने के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा मलेशिया जाने का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। और ये थी मेरी फ़्लाइट की टिकट जो मैंने आपको बताई कि मुझे इंडिया से सस्ती फ्लाइट की टिकट बैंकॉक में गिरी, और उसके साथ में मेरा बैंकॉक भी घूमना हो गया।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है आप कमेंट मुझे जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।